अब आप क्या करें उए, ये तो सेवेंटी है ये फिफ्टी है लिख लो जल्दी जल्दी पहले चिक चिक करने का नहीं <laughs> चलो गाइज हो गया लिख के यस सो so, अब हम लोग बात कर रहे ऐसे फाइव फिफ्टी की ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से समझना पूरे पूरे अपन ने ड्रॉ करे हुए बाद में आपको घर पे ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार आराम से रीड करना है सो so, ऐसे पहली चीज तो दोस्तों समझने की कोशिश करना इट इज अबाउट वॉट रिलेटेड पार्टीज जब हम लोग रिलेटेड पार्टीज की बात करते हैं ना हम लोग ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे क्या कर रहे ये थोड़ा आप समझ लो पहले तो एक बैकग्राउंड समझ लो क्यों क्या होता है हम लोग ये पढ़ तो लेते हैं समझ तो लेते हैं बट व्हाट वॉट हैपन्स उसका जो पीछे का बैकग्राउंड एज टू वाई दिस एस ए फाइव फिफ्टी केम इन टू पिक्चर वी डोंट नो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग सी यू नो दैट देर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एटीन रिलेटेड पार्टी डिसक्लोजर्स बराबर ए एस एटीन then we also have एटी एट विच टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट सेक्शन वन एटी एट अब होता क्या है ना आप बच्चों बात को समझने की कोशिश करना एक कंपनी के बहुत सारे पार्टीज रिलेटेड हो सकते हैं बराबर के नहीं मतलब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज दे बिकम वॉट रिलेटेड पार्टीज अ कंपनी इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड बिकम्स व्हाट रिलेटेड पार्टी the director of a company becomes what related party. तो आप समझने की कोशिश करो जिसमें भी कंपनी या कंपनी के ऑफिसर्स का सबस्टैंशियल इंटरेस्ट है वो पार्टीज बन जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिलेटेड पार्टी एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टी नो अब होता क्या है ना यहां से आगे बढ़ते हैं वं वे अंडरस्टैंड ओके रिलेटेड पार्टीज है टू अंडरस्टैंड रिलेटेड पार्टी के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग रिश्तेदारों के साथ अगर ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर मैं एक कंपनी हूं और मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है मैं टाटा मोटर्स और यहां पर कोई एक व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेरी सब्सिडरी है मैंने जान बुझ के उसकी सब्सिडी मतलब मैं, मैंने उसको सब्सिडरी बनाया जान बुझके मैं उसकी पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी बनाऊं क्यों सर अरे जब मैं उसको बोलूंगा ना मेरे को इतने व्हील्स चाहिए वो मेरे को ऐसे मना नहीं कर सकते कि नहीं अभी हमारे पास दूसरे का ऑर्डर पेंडिंग है आप लाइन में हो रुकिए आप नहीं अरे हेलो आई एम व्हाट द पेरेंट कंपनी द होल्डिंग कंपनी आई कैन टेक द डिसीजंस कि आप किसको सप्लाई करोगे कितना सप्लाई करोगे बिकॉज आई हैव अ मेजोरिटी स्टेक राइट तो मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ जो डिफिकल्टीज आने वाली थी या आ सकती थी क्या हुआ उसको वो मैंने एलिमिनेट कर ली ये कह के कि अब मैं मेरे अगर रिलेटेड पार्टी को बोलूंगा ना तो वो क्या हो जाएगा वो फटाक से मुझे गुड्स सर्विसेज सप्लाई करेगा बराबर के नहीं इसीलिए लोग रिलेटेड पार्टीज बनाते हैं और फिर उन लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं नहीं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना सब्सिडरी बनाने का एक लॉन्ग टर्म विजन रखने का कि हम लोग इनको लंबे समय तक सब्सिडरी बना के रखेंगे वॉट इज द यूज ऑफ क्रिएटिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप्स फायदा क्या है उसका कुछ है क्या फायदा ऐसे ऐस नहीं ये बिजनेस के ऑपरेशन में आपको फायदा होगा इसके लिए अंडरस्टूड दिस सो इट इज वेरी ऑब्वियस यू कैन ट्रांजेक्ट विथ रिलेटेड पार्टीज एंड रिमेंबर कोई भी लॉ प्रोहिबिट नहीं करता कि यू नॉट ट्रांजैक्ट विद द रिलेटेड पार्टीज यू कैन डू कोई कोई लॉ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप, आपके रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते कहीं पढ़ा आज तक आपने कि अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नॉट डू एनी ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज कभी कभी आज तक कभी आपने इसे सुना है क्या बोलो ना दोस्तों आज तक नहीं ना परफेक्ट है बट अब क्या होता है कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है ना उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन से कौन से रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है आपकी कंपनी के कौन से कौन से रिलेटेड पार्टीज है शुरुआत करें तो आपकी कंपनी के कौन से कौन से रिलेटेड पार्टीज है नंबर टू आपने उन लोग के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं एंड नंबर थ्री वो ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट के हैं आई बात समझ में सो so, ये यूजर्स को जानना बहुत जरूरी है इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 केम इनटू पिक्चर एंड स्पोक अबाउट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स की आपने अगर रिलेटेड पार्टी के साथ यदि ट्रांजेक्शन किया है तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू वॉट गिव द डिस्क्लोज़र्स अबाउट दिस आई बात समझ में सो दैट वॉज द प्रीफेस की वाई वी आर स्टडिंग अब दोस्तों समझने की कोशिश करना सेक्शन ने कहा है अब ये ए एस एटीन खत्म हो गया अब सेक्शन 188 एटी एट आपको पल्ले पड़ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं एक बार मैं वापस से बोलता हूं भले ही आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा और खूबसूरती से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो वेन वी टॉक अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज एकदम आराम से सुनना सो so क्या होता है यू कैन ट्रांजेक्ट विथ रिलेटेड पार्टी उसमें कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या नहीं ट्रांजेक्शन हो सकता है रिलेटेड पार्टीज का बट आप समझने की कोशिश करो यहां पे वेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एटीन आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके रिलेटेड पार्टीज कौन है इसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से ट्रांजैक्शन किए उन रिलेटेड पार्टीज के साथ एंड आपको उन रिलेटेड पार्टीज के साथ कितने अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया आपको वो भी बताना अनिवार्य है ए एस एटीन बोलता है नेक्स्ट वेन वी गो अहेड यहां पे आपको दिखेगा सेक्शन 188 एटी एट ऑफ कंपनीज एक्ट अगर ये कंपनी होगी तो आप यहां पे कंपनीज रिलेटेड पार्टीज के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं सेक्शन भी बोलता है ए भाई कर सकते हो यू कैन डू व्हाट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यू कैन डू इट हाँ बट फिर यहाँ पे क्या कहता है अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ती है अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक अमाउंट्स के ऊपर जाते हैं टेन परसेंट ऑफ नेटवर्क टेन परसेंट ऑफ क्या टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाता है तो आपको मेंबर्स का आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ता है ये कंडीशन है सेक्शन वन की आई बात समझ में कि इनका आपको अप्रूवल लेना है सो दिस इज ए एस एटीन एन वन एटी एट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर यहां पे अगर आप देखोगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है और ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है अगर आप यहां पे ध्यान से सुनना क्या आपको इसको कंप्लाई करना जरूरी है क्या यस yes. लॉजिकली सही है मतलब आप समझो अगर यहां पे दो बातें लिखते हैं कि आपने इसको कंप्लाई किया या नहीं किया अगर आपने एस एटीन या सेक्शन वन एटी एट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया तो हम लोग क्या कहेंगे हाँ भैया इट इज वॉट ट्रू एंड फेयर ट्रूथ एंड फेयरनेस इट कम्स टू दैट ना बिकॉज अंडरस्टैंड इफ यू डोंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन यू से दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू नो अगर आप कंपनी लॉ के प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू नो सो अगर वो कंप्लाई करते हैं तो अपन कहेंगे इट इज ट्रू एंड फेयर अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो हम लोग क्या कहेंगे इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर आसान सी बात है ना मतलब आर यू गेटिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस इज द कंसर्न ओवर यर And that is what is the objective of the auditor to report whether the financial statement gives true and fair view or not. So logically, is ke ka compliance So now the question is we understood it is necessary to check the related party transactions. It is necessary to verify the related party transactions. But the question is how? So, how will you verify those related party transactions? How will you obtain the evidence in respect to related party transactions? How will you obtain the evidence that whether it has been properly disclosed, presented, classified or not? So to do that, then comes into picture what SA number 550. That is obtaining audit evidences in respect of what related party transactions. Base samaji standard queue Hey guys. बेस समझ में आएगा क्यों पढ़ रही है स्टैंडर्ड अपन कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखिए ये दिमाग में इसे हटा देना कि कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सॉरी कंपनी कैन एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जैसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकते हैं अनरिलेटेड पार्टीज के साथ आप रिलेटेड पार्टीज के साथ भी ट्रांजेक्शन आप एंटर कर सकते हो परफेक्ट है बट द ओनली थिंग इज दैट सिंस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर यू टू डिस्कलोज

आपके दिमाग में ये बैकग्राउंड क्लियर होगा एस टू वाई एस ए फाइव फिफ्टी बराबर के नहीं एकदम ईजी है राइट right. बिकॉज हर एक चीज के पीछे बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस बैकग्राउंड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट द केस स्टडीज इन एग्जाम आई बात समझ में वो आपको ए एस एटीन या वन एटी एट का रेफरेंस देके कोई केस स्टडी बना देंगे योर दिमाग शुड वर्क योर ब्रेन शुड वर्क कि लाइक ये वन एटी एट ये सेक्शन वन एट या तो ए एस एटीन भाई चलो किधर ऐसे फाइव फिफ्टी और सेक्शन और ए एस याद रखने के लिए भी ईजी है ए एस एटीन सेक्शन वन एटी एट वन एट वन एट एट खत्म और ऐसे भी मस्त है फाइव फिफ्टी फाइव फाइव जीरो फाइव फाइव दे आर वॉट रिलेटेड एट एट रिलेटेड समझ रहे क्या आप लोग तो वन एट वन एट एट फाइव फाइव जीरो इट्स वेरी इजी सो अब सवाल आता है कि सर इसके लिए आखिरकार स्टैंडर्ड देने की क्या जरूरत थी वॉट इज वट इज ए नीड फॉर द स्टैंडर्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली वाई द स्टैंडर्ड देखिए मटेरियल मिस्टेटमेंट अब अगर अपन मटेरियल स्टेटमेंट की बात करें अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेटमेंट दैट इज द कैपेसिटी टू अफेक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं मटेरियल स्टेटमेंट की बात करता हूं तो दोस्तों स्वाभाविक तौर पर कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे वो रिलेटेड पार्टीज के साथ हो या अनरिलेटेड पार्टीज के साथ हो किसी भी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट हो सकता है ना बोलो ना येस नो यस बी इट द ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज वो रिलेटेड रिश्तेदारों के साथ हो या नहीं हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट कहीं भी किसी भी समय आ सकती है कोई भी ट्रांजेक्शन में आ सकती है बट अगर देखा जाए थोड़ा उसके ऊपर गौर फरमाया जाए तो आपको क्या लगता है ज्यादा चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट कहां हो सकती है

आई बात समझ में आपको वेरी गुड सो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी दे मे हैव अ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट सो इन दिस केस द द ऑडिटर ऑडिटर शुड डू शुड फर्स्ट फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू नो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट देर आर सर्टन डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही शुड फाइंड आउट द रिलेशनशिप द ट्रांजेक्शन एंड द बैलेंसेज विद द रिलेटेड पार्टीज आई बात समझ में तो क्या क्या उसको देखना है वो इज सपोज टू हैव लोजर रिक्वायरमेंट और ए के हिसाब से डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट क्या है कि जो पार्टी है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो डिस्क्लोज करिए फिर आपने उनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं और अमाउंट या आपका अब आप कितना बैलेंस है आपको वो बताना पड़ेगा आई बात समझ में सो so ये फाइंड आउट देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है ना डिस्कलोजर की और मैंने ये स्टैंडर्ड आपको पढ़ाने के पहले उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन की ए की रिक्वायरमेंट है सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो रिलेशनशिप वो ट्रांजेक्शन वो प्रोसीजर्स बैलेंसेज आपको वो क्या करने हैं वो डिस्क्लोज करने हैं तो ये तीन चीजें बराबर से डिस्क्लोज हुई या नहीं हुई ये फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म वॉट दोस्तों ऑडिट प्रोसीजर्स एंड दिस ऑडिट प्रोसीजर्स लॉजिकली विल इन्वॉल्व वॉट फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यू असेस द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड रिस्पॉन्ड कि वेदर दोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैव बीन प्रॉपरली डिस्कलोज अबाउट दियर रिलेशनशिप बाउट द ट्रांजेक्शन एंड द बैलेंस सिंपल है आइडेंटिफाई करो आइडेंटिफाई करने के बाद आइडेंटिफाई मतलब ढूंढो फिर असेस करो मतलब उसे चेक करो और फिर रिस्पॉन्ड करो मतलब रिएक्ट करो कि वो जो भी दिखाया गया है वो बराबर है या नहीं आई बात समझ में कितना आसान है कॉन्सेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ एनी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको नहीं फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं ऑडिटर शुड एक्टिविटी करने के लिए अब आइडेंटिफाई करना है असेस करना है रिस्पॉन्ड करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज रेडर फर्स्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो बहुत दूर की बात है इंपॉर्टेंट क्या है फर्स्ट टू आइडेंटिफाई हु आर द रिलेटेड पार्टीज अगर तुमको सला रिलेटेड पार्टीज मालूम ही नहीं है तो आप लोगों को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कभी पता ही नहीं चलेगा इसीलिए वो कहते हैं ऑडिटर शुड डू वॉट फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटिटी बराबर के नहीं क्योंकि अगर आप बिजनेस को समझोगे तो उसके हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट क्या है बराबर के नहीं कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है वो आपको पता चलेगा प्लस ऑल्सो कंसिडर द रिस्क फैक्टर्स कि कहां कहां पोटेंशियल रिस्क हो सकती है फ्रॉड की एनी डिफिकल्टी टेलियर नो यहां तक एक बार अपन फिर से बोले क्या एक बार फिर स्टैंडर्ड देखो निपट गया स्टैंडर्ड लास्ट वाला जो पार्ट एकदम ईजी है वो बोलो ना बच्चो यस yes. तो दोस्तों हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं बता सकते हैं क्या आप लोग 550 बैकग्राउंड समझ में आ रहा है आपको यस ओके वेरी गुड तो आप दोस्तों जब हम लोग 550 की बातें करते हैं ये किसके बारे में बात करता है रिलेटेड पार्टीज देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं स्टैंडर्ड्स कोई घाई नहीं है अपने को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब हम लोग एस ए की बात कर रहे हैं है ना ये बात करता है रिलेटेड पार्टीज की इसमें अपन ने क्या पढ़ा फर्स्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी प्रेजेंट इन द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड एज वेल एज अनरिलेटेड बट द चासेज ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज प्रेजेंट विथ हु रिलेटेड पार्टीज वेरी गुड सो इसके लिए अपने को वो चेक करना जरूरी है क्या यस सो नाउ वॉट डू वी डू सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देर आर सर्टन वॉट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है दोस्तों दैट वी हैव टू डिस्क्लोज वॉट रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस तो इसके लिए ये करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म वॉट सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स वी हैव टू परफॉर्म सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स एनी डिफिकल्टी क्लियर नो वो ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आएगा वी विल आइडेंटिफाई असेस एंड देन रिस्पॉन्ड कि वेदर इट हैज बीन प्रॉपरली डिस्कलोज दैट इज द रिलेशनशिप transactions and balances in addition to this we have to understand the environment plus also consider the fraud risk factors ki kis wajah se fraud yahan pe related parties ke sath aa sakta hai karke any difficulty till here no fir ab kya hota hai yahan se apan aage badhte hain ab kahani mein thoda ek twist aata hai और अब अपन बात करते हैं ऐसे भी खुद इसको recognize करता है कि that there are what certain inherent limitations. नहीं अगर आपको झूठ लगता है ना तो एक काम करो अब अपन देखो लिंकिंग कैसे करते हैं चैप्टर वन में आपने इनहेरेंट लिमिटेशन टू ऑडिट पढ़ा था याद है उसमें अदर मैटर्स पढ़ा था याद है आपको एक तो क्या था अपना फर्स्ट कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नंबर टू वॉज वॉट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नंबर थ्री नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर नंबर थ्री टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड लास्ट में क्या था अदर मैटर्स उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे चार बराबर के नहीं एक कल्यूजन अमंग एम्प्लॉय वाला था अब सेकेंड देखो वाला आओ आओ, आओ बुक में जब देखोगे ना तो आपको और मजा आएगा इसीलिए तो पढ़ने बोल रहा हूं हुआ गया तो आपको वो इनहरिट लिमिटेशन में आपको दिख रहा है क्या ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी बोलो यस और नो यस तो आप देखो हम लोग ने ऑलरेडी इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ लिया है और ऐसे भी उस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है अब वो क्या कहता है ओइंग टू दिन लिमिटेशन ऑडिटर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट रीजन क्या है कि यहां पे ऑडिटर एवरी रिलेटेड पार्टी को फाइंड आउट नहीं कर सकता एवरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ऑडिटर फाइंड आउट नहीं कर सकता आप पूछोगे सर क्यों आई कैन नॉट फाइंड आउट द रीजन इज वेरी सिंपल मेरे रिश्तेदार कौन है अगर आप ऑडिटर हो मेरे और आपको जानने हैं मेरे रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है तो मेरे रिश्तेदार कौन है कौन नहीं है आपको पता चलेगा क्या जब तक मैं आपको ना बोलूं बोलो यस और नो यस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट कैन हैपन मी मैनेजमेंट माई सेल्फ इज नॉट अवेर अबाउट हु आर माई रिलेटेड पार्टी क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है ना बॉस या तो कभी कभी जान बुझे मैं नहीं बताना चाहता हूं आपको और आई फगेट टू टेल यू तो देर इज एन इन लिमिटेशन तो सिंपल चीज ऐसे क्या बोलता है भाई ऑडिटर इस घड़ी इस समय सिंस यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट गोइंग टू इनर लिमिटेशन दी एडवाइज यू टू में प्रोफेशनल कैप्टिज थ्रू आउट दी ऑडिट खला स्टैंडर्ड एस एवर भारी ना जी था ना एकदम येस सो विथ द बेस वॉट द स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू द स्टैंडर्ड रिकनाइज दैट देर इज इनर लिमिटेशन सो इट आस्ट यू टू मेंटेन वॉट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज एनी डिफिकल्टी ट्र शोर एकदम गाइज परफेक्ट सो मैनेजमेंट इज अनवेयर ऑफ ऑल द रिलटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और देर इज हाई डिग्री ऑफ कल्यूजन और कंसीलमेंट एंड मैन्युपुलेशन इज पॉसिबल इन रिलेटेड पार्टीज इसके लिए अपने को पता नहीं चल सकता डन राइट थर्टी सेकंड टू गो थ्रू दर स्टैंडर्ड नो शुरुआत का एक्चुअली होमवर्क में ही देना है मेरे को शुरुआत का रिलेटेड पार्टी टू फाइव टू सिक्स आप देख लेना एक बार वन नाइन ओके सो आप वो देख लेना तो आपको वो पहले जो रिलेटेड पार्टी का मीनिंग जो है ना वो मीनिंग वाला जो पार्ट है आपने ये एक्चुअली होमवर्क के लिए पढ़ना है डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी का आफ्टर दैट यू स्टार्ट फ्रॉम यर ठीक है ना इसके अंदर जैसे अपन ने हर एक चीज जो डिस्कस करी ना कि रिलेटेड पार्टी अन रिलेटेड पार्टी दोनों के साथ रिस्क हो सकती है बट हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसेटमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टीज के साथ फिर इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं इसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए टू आइडेंटिफाई असेस एंड रिस्पॉन्ड की वो बराबर से हुआ या नहीं हुआ ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ओइंग टू इनर इंट लिमिटेशन एंड ही हैजटेन वोफेशनल स्केप्टिसम फटाफट आप एकदम उसको रीड कर लो मैंने तो पढ़ लिया आपके सामने आपको दिख भी गया होगा एक बार आप गो थ्रू कर लेना पूरा एक एक लाइन एक एक लाइन हुआ ओके okay. अगर नहीं हुआ तो बाकी का बाद में आप आराम से घर पे पढ़ लेना ठीक है बट ऑलमोस्ट मेन पार्ट जो है वो आपका हो गया होगा पढ़ के सो so, अगर हम लोग देखें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो कहानी एकदम सिंपल है Uh, वो कहता है कि हाई रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टीज़ के साथ हो सकता है इसके लिए ऑडिटर ने उसको चेक करना जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अचीव करने के लिए ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वो रिलेशनशिप बैलेंसेस ट्रांजेक्शंस बराबर से डिस्क्लोज करे गए हैं या नहीं इसके लिए वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई असेस एंड रिस्पॉन्ड विदर द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेज हैव बिन डिस्क्लोज और नॉट इसके साथ साथ ही शुड ऑप्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एन प्लस टी कंसीडर दी द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कहां कहाँ क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं। बट ओइंग टू इनर इंट लिमिटेशन इन दिटर कैनॉट आइडेंटिफाई और डिटेक्ट ऑल द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इन द रिलटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाई बिकॉज नंबर वन मैनेजमेंट इट सेल्फ इज अन अवेयर और बिकॉज देर में हाई डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन और कल्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज सो देर फॉर वी कैनॉट डिटेक्ट द रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन और the misstatements. Therefore, it is advised to the auditor to maintain the highest degree of professional skepticism. खत्म इतना लिखा हुआ था अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करते हैं नंबर number 560 जो बात करता है अबाउट what सब्सिक्वेंट events. दोस्तों एकदम ध्यान से सुनना ये भी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा है easy है बट इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत important भी है स्टैंडर्ड पढ़ते समय आपको ए एस फोर भी आपको आना चाहिए यू नो वट इज ए एस फोर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट राइट तो ए एस फोर और ट्राई टू अंडरस्टैंड एस ए फाइव सिक्सटी ये दोनों साथ में हैं लॉजिक वापस से देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको ये स्टैंडर्ड्स का लॉजिक दे रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होता है ये स्टैंडर्ड क्यों आया पल्ले नहीं पड़ता है जैसे मैंने आपसे कहा वाई आर वी स्टडी एस एफ फाइव फिफ्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वॉट वॉज द नीड बिकॉज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एटीन के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए इसके लिए अपन ने उसको चेक करना चाहिए देर फॉर द स्टैंडर्ड एस एफ फाइव फिफ्टी हाउ यू विल प्रोसीड अबाउट इट सेम वे में सबसिक्वेंट इवेंट होता है नहीं होता क्या फर्क पड़ता अपने को डज इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट होता नहीं होता तो फिर वो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होता या नहीं होता इसके लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जाके पूछो ना यारो एंड देन कम इन टू पिक्चर वॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दो टाइप के इवेंट्स को मद्देनजर रखता है वो एक तो एडजस्टिंग इवेंट्स एंड दूसरे है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स एंड फिर अब कोई इवेंट एडजस्टिंग हो या नॉन एडजस्टिंग हो कोई के होने के बाद भी आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट देना पड़ता या नहीं पड़ता तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा तो अब वो एडजस्टमेंट बराबर से हुआ या नहीं हुआ है, वो आपको चेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा तो इसीलिए कौन सा ऐसे आया फाइव 560 दैट टेल्स यू एज एन ऑडिटर कि देखो यारो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर ऐसा ऐसा कहता है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है तो आपने ऐसे 560 को फॉलो करना है और वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है या नहीं यू हैव टू चेक बिकॉज इफ दे डोंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड फेयर बात आई समझ में क्यों पढ़ रहे हम लोग नया स्टैंडर्ड फाइव आई बात समझ में राइट right. अब यहां पे आराम से स्क्रीन पे देखते रहना सबसिक्वेंट इवेंट्स दो चीजें हैं यहां पे सबसिक्वेंट इवेंट्स की बात करें तो एक तो है इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको यहां पे उसका ये भी दिखा है टाइम भी इकतीस मार्च को क्या हो गया बैलेंस शीट डेट है ना थर्टी ऑफ मार्च एंड इमेजिन करो बारह जून को मैंने क्या दे दिया है यहां पे ऑडिट रिपोर्ट मैंने इश्यू कर दिया है डिफिकल्टी क्लियर नो सो अब यहां पे ये जो पीरियड है इज नथिंग बट वॉट रिलेटिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई स्टैंडर्ड एस ए फाइव इज इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस डेट एंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेकेंड पार्ट क्या कहता है फैक्ट्स नोन टू दफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट तो बारह जून 12 जून को मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी ना उसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो मुझे मालूम पड़ी आई बात समझ में तो मैंने ना एकदम सिस्टमैटिक चार्ट बनाया इसका स्टैंडर्ड के दो जो मेन पार्ट है वो लिख दिए फिर नीचे उसका टाइमलाइन बना दिया और उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है उन जोन के नीचे लिख दिया तो अब अपने को मालूम है कि जो भी घटना यहां हुई उससे रिलेटेड अपने को यह करना है जो भी घटना यहां घटी है उससे रिलेटेड अपने को यह करना है खत्म ना यार अरे हेलो कितना इजी है स्टैंडर्ड बस ऐसे ही पढ़ना है एकदम मस्त प्रोसीजर है पढ़ना है रिलैक्स मोड में एकदम आई बात समझ में राइट right. सो so, अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 560 बिना अभी जितना भी अपन ने पढ़े आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड में दो बातें हो रही दो इवेंट्स हो रहे कुछ क्या है एक इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करेक्ट है और दूसरा क्या कहता है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द ऑडिटर्स दे रिपोर्ट मतलब क्या कहेंगे फैक्ट्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक क्या है इवेंट्स विच आर ऑकर्ड बिटवीन दिस बैलेंस शीट डेट एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स डेट सेकेंड पॉइंट क्या कहता है फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द बैलेंस आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इजी है एकदम वेरी वेल सो अब बस करना क्या है आराम से एकदम समझना है रिलैक्स में एकदम सो so अब यहां पे आपको दिख रहा है थर्टी मार्च से लेके ट्वेल्थ ऑफ जून तक ये पीरियड है ये कौन सा पीरियड है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंशी डेट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट सही जा रहे एकदम अब इस पीरियड में जो भी घटना घटी उसके बारे में अपने को बातचीत करनी है सो नंबर वन यू हैव टू ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अब पहले मैं आपको है ना कुछ चीजें समझाता हूं मैं आपको बेस थोड़ा बेस नहीं तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है बाउंसर जा रहा है सब है ना है ना बाउंसर जा रहा था ना नहीं समझ रहा था ना थोड़ा थोड़ा तो सम पूछेगा कौन सर वो ऐसा है एक्चुअली कि आप टीचर हो ना तो आपने हमारी शक्ल देखनी चाहिए और हमारे शक्ल से अगर पता चलता है ना कि उड़ रहा है सब दिमाग के ऊपर से तो फिर सर आपने ऐसे कुछ तो भी समझाना चाहिए ऐसा मत करो ठीक है ना इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क अगेन ओके बहुत बढ़िया मतलब टैलेंट है मेरे में वैसा शक्ल देख के इंसान को जज करता हूं समझाना या नहीं समझा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर ध्यान से सुनिएगा फालतू तो टाइम बर्बाद किया पहले पूछ लेते तो और अच्छे से समझा जाता था एस फोर यहां पर ए एस फोर के हिसाब से पहले तो लिख लेते हैं क्या है भाई नहीं अभी लिख ही लेते हैं ना ए एस फोर ये किसके बारे में बात करता है इवेंट्स ऑकरिंग ये कभी पढ़ा है क्या बचपन में थैंक यू सो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इसके अंदर हम लोग जैसे मैंने पहले कहा आपको दो इवेंट्स होते हैं एक है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब आपने पढ़ा होगा जैसे ये आपका फाइनेंशियल ईयर ये मार्च एंड दिस पीरियड इज आफ्टर बैलेंस शीट डेट द वन विच इज हाईलाइटेड करेक्ट अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए द कंडीशन इज वॉट द कंडीशन शुड बी एग्जिस्टेंस शुड बी इन एक ऐसे कुछ पढ़ा है क्या द कंडीशन शुड बी इन एग्जिस्टेंस ऑन दी और ऑन और और ऑन बिफोर बैलेंस शीट डेट ऐसा कभी पढ़ा है आपने कंडीशन शुड बी प्रेजेंट हा वेरी गुड सर आप थोड़ा समझ रहे हैं सर जरा वेरी गुड आप ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल डेटर्स डेटर मिस्टर ए रिसीवेबल रुपीज फाइव लैख थर्टी फर्स्ट मार्च को कंडीशन थी पांच लाख रुपए उससे अन्य थे कोई दिक्कत है नहीं सो एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च था ना वो बोलो ना ही वॉज देर अब आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट एक घटना घट गई और यहां पे अपने को पता चला कि मिस्टर ए इज नाउ इन् बोलो बोलो और नो सो दिस वाज़ द इवेंट दैट ऑकुड आफ्टर बैलेंस शीट डेट सो इज इट एन एडजस्टिंग इवेंट और अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट and because of this event guys because of this event even though the condition was present as on balance sheet date we know it before audit report that mr a is now insolvent we will make an adjustment as on 31st of march books may adjustment karna padega na because it is an adjusting event as per accounting standard 4 revolte, bolte yes or no yes तो अब यहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब क्या आप डायरेक्टली बैड डेट्स आप दिखा दोगे ना बोलो यस और नो यू डायरेक्टली शो दैट फाइव लैक का बैड डेट्स हो गया करके क्योंकि अपने को सब्सिक्वेंटली पता चला है कि ये डेटर क्या है बैड है तो एज ऑन दिस डेट बता दो ना इट इज नॉट गोइंग टू बी रिसीव करके क्योंकि अपने को मालूम है फ्यूचर में इससे पैसा मिलने वाला नहीं है क्योंकि वी नो ना हो ना ये बोलो ना यस और नो यस अब दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहानी सेम है यहां पे मार्च ठीक है दिस इज वॉट आर फाइनेंशियल ईयर एंड अब यहां पे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा यहां पे मेरी बिल्डिंग है बराबर ये मेरा क्या है सबसिक्वेंट पीरियड है यहां पे वापस एक इवेंट हो गया अर्थक्वेक आया नहीं हंस क्या रहे हो सीरियस मैटर है अर्थक्वेक आया एंड दिस बिल्डिंग गॉट कोलैप्स्ड सो बिल्डिंग इज नो लॉन्गर देर बोलो यस और नो वाज इट देर ऑज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च यस तो क्या अपन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को लैंड एंड बिल्डिंग जीरो दिखा देंगे क्या सिंस इट इज डैमेज डिस्ट्रॉइड नो इकतीस मार्च को थी ना सो यर यू विल मेक नो एडजस्टमेंट अरे हेलो समझा गया नहीं समझा यस no. ना yes, no. और इसी के अंदर गोइंग कंसर्न वाली भी बात करते हैं अपन वो आगे पढ़ेंगे एस एफ फाइव सेवेंटी में बच्चों को समझ में आ रहा है क्या अब यहां पे आप जरा गौर फरमाएंगे तो यहां पे कुछ इवेंट्स का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कुछ इवेंट्स का आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है अब सोचिए अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग है पहले पढ़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं सोचिए अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग है बट उसका एडजस्टमेंट आपने नहीं किया ओ, तो क्या हो जाएगा विल योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू नो ना कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग है बट उसका आपने एडजस्टमेंट कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जहां एडजस्टमेंट होना चाहिए वहां होना चाहिए जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए ये कहता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर ऑडिट अगर पढ़ना है ना मेरे दोस्तों तो आपको अकाउंट्स में भी बहुत होशार होना बहुत जरूरी है जो व्यक्ति अकाउंट्स में होशार वही व्यक्ति ऑडिट में बहुत आगे जा सकता है क्योंकि ऑडिट करना किस पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आई बात समझ में सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ऑलटिंग प्रोविजन बीड ऑडिटर आई बात समझ में राइट right. यहां तक कुछ दिक्कत है क्या आपको नहीं अब दोस्तों यहां पे आप समझो अगर आपको ये हो रहा है या नहीं इसका कंप्लाइंस, वापस जैसे मैंने उसके लिए लिखा था ना रिलेटेड पार्टीज के टाइम पे वैसे लिखता हूं इसका कंप्लाइंस होना या नहीं होना चेक करना जरूरी है क्या अगर इसको आपने कंप्लाई किया तो वी से इट इज वॉट ट्रू एंड फेयर अगर इसको कंप्लाई नहीं किया तो इट इज वॉट नॉट ट्रू एंड फेयर तो इज इट अफेक्टिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ योर अकाउंट्स सो इज इट नेसेसरी फॉर अस टू चेक वेदर दीज इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर गिविंग ऑडिट रिपोर्ट हैज बिन प्रॉपरली एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड एज द केस में भी बोलो देखना जरूरी है या नहीं है हाँ अब थोड़ा दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा होगा कि हम लोग अब यहां पे एसे नंबर 560 को क्यों पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ऐसा होना चाहिए तो ऐसे कहता है कि भाई ऐसे कहता है क्या कि इसको हुआ है या नहीं ऑडिटर तो चेक कर ले आई बात समझ में आई यू गेटिंग द बेस ऑफिंग एस एक्सटी वाई दिन टू पिक्चर ये बोलते क्यों नहीं Yes. So अब इतना ज्ञान देने के बाद मैं वापस से आता हूं अपने इस पार्ट पे और फिर अब मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर पर चर्चा करता हूं फ्टर बैलेंस डेट अगर कोई इवेंट हो गया है तो आपको उसको एक तो एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा एज द केस में भी डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट बराबर के नहीं तो उसको चेक करना अपने को जरूरी है या नहीं है अरे बोलो है ना तो इसके लिए अब स्टैंडर्ड आपको बताता है कि हाउ विल यू डू इट एंड हाउ विल यू डू इट नंबर वन यू हैव टू फर्स्ट ऑप्टेन आप स्क्रीन पर देखिएगा Now you have to obtain sufficient and appropriate audit evidence that all subsequent events have been identified. भाई पहले तो आप evidence ले लो कि जो भी घटना है balance sheet date के बाद घटी है जो आपने इस financial statement से related रखती है क्या वो सारे के सारे events identify हुए हैं या नहीं हुए हैं बात आई है समझ में आपका You have to obtain that evidence. जमा क्या है तक आपको बोलो यस और नो यस सो फर्स्ट यू टेक ऑल दैट एविडेंस कि उस पीरियड में जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं वो सारे इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई करे नहीं करे देखो एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात की बात है पहले भैया ढूंढ तो लो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या हुए थे करके आई बात समझ में बोलो ये नो यस सिंपल सी बात है यार अगर आप समझ लो आपको टेलीफोन का बिल सिंपल एकदम छोटू सा एग्जाम्पल मार्च का बिल आपको मिला अप्रैल में टेलीफोन का बिल मार्च का आपको मिला कब अप्रैल में लॉजिकली अगर मान लो आपका बिलिंग साइकिल भी फर्स्ट मार्च है थर्टी फर्स्ट मार्च है आपको बिल के डायरेक्ट थर्टी फर्स्ट मार्च को मिलेगा क्या इट विल कम ऑन सेकेंड और थर्ड अप्रैल टू यू बिल बन के थर्ड अप्रैल वो तो अगले साल आ गया ना सब्सिक्वेंट इवेंट बट यह कंडीशन किससे रिलेटेड है टू दिस ईयर तो आपको प्रोविजन फॉर टेलीफोन एक्सपेंसिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बोलो प्रोविजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट समझा नहीं समझा सिंपल सी बात है तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस जो भी पेमेंट्स वॉट इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है बट आपको लगता है कि उसका कॉग्निजेंस अपन ने इस फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहिए तो पहले ऑडिटर साहब ओ ऑडिटर साहब आपने क्या करना चाहिए पहले वो सारे इवेंट्स को भाई तू तो ढूंढ ले जब तू तो ढूंढ लेगा ना तभी तो पता चलेगा वो एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ बट भाई पहले ढूंढ तो ले एटलीस्ट नहीं मैं देखेगा एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ अरे भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तू तो पहले ढूंढ तो ले नहीं सर अरे समझ रहा है क्या समझा गया Yes, very good. So, first we have to obtain sufficient appropriate audit evidence that all those events have been identified. Number one. Number two, no additional procedures need to be performed on the areas where audit procedures already performed provide satisfactory conclusions. अगर अपन ने कोई एरिया ऑलरेडी देख लिया है और उसमें अपने को पता है कि भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट इससे रिलेटेड नहीं है तो अपने को और कुछ करने की जरूरत नहीं मतलब आप समझो ऐसे क्या कहते हैं तुम्हारे अगर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में तुमने ऑलरेडी वो चीजें कवर कर ली होगी तो तुमको और स्पेसिफिकली वापस से वो करने की जरूरत नहीं है वेरी सिंपल वो कहना चाहते हैं स्टैंडर्ड में लिखा है ठीक है बट अगर तुमने ऑलरेडी ये कर लिया है ना तो भाई वापस मत करना क्या करके वापस मिलेगा क्या तेरे को कुछ भी नहीं आई बात समझ में तो इसलिए ऐसे बोलता है अगर तुमने नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में ये चीजें कर ली होगी बराबर के नहीं तो भाई तेरे को वापस देखने की जरूरत नहीं है एंड देन हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड और नॉट तो पहली चीज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी

मेरे को मालूम है मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये एक्टिविटी करके रखी हुई है मैनेजमेंट जरा उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या डू राइट टू आस्क यस भाई सवाल जवाब करेंगे कुछ बराबर के नहीं राइट टू ऑपटेन इंफॉर्मेशन है पढ़ा हुआ है अपन ने आ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया ना अब पूछता हूं तुमने तो सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया यस सर कैसे किया वो भी जान लूंगा मैं सो फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी इवेंट दैट माइट अफेक्ट कोई इवेंट है क्या फिर उसको पूछने का सारे आइडेंटिफाई कर लिया अच्छा ओके okay, ओके okay. ऐसा कोई इवेंट तुमको मिला क्या जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी थी एडजस्टिंग इवेंट कोई मिला क्या वो भी उनको पूछ लो फिर क्या हुआ अपन मिनट्स देखेंगे टवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उसमें भी आपको कोई पता चलेगा ना कि कुछ डिसीजन मैनेजमेंट ने लिए है या नहीं लिए है एंड देन लास्ट में क्या कहता है रीड द लेटेस्ट इंटरिम फाइनें सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अगले साल के इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आपको आई बात समझ में बेसिक चीजें करी अपन ने यहां पे पहले क्या किया अपन ने मैनेजमेंट को पूछा हाउ डिड यू आइडेंटिफाई वी अंडरस्टैंड दैट देन वी आस्क मैनेजमेंट डिड यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट्स दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट नंबर थ्री अपन ने क्या किया मिनट्स चेक किए और लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया खत्म यस yes. फिर उसके बाद अपन ने ये सब चीजें जानकर अपन ने पता कराया कि इनमें सही में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी या नहीं थी और अगर थी तो क्या वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करी या नहीं करी सो सिंपल गाइस ए एस फोर अगर समझा होगा ना तो ये तो बहुत ईजी है क्योंकि वो हुआ है या नहीं हुआ है AS4 में जो कहा है वो हुआ है या नहीं हुआ है वही तो अपने को ऐसे में चेक करना है बट सिंपल है कैसे चेक करना है भाई ऑडिटर सारे एविडेंस देख ले कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करे या नहीं करे आई बात समझ में वो कहता है आपको आगे कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने पहले जो काम किया है उसमें आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा तो और आप ये कैसे करोगे नंबर वन यू आस्ट द मैनेजमेंट वेदर एनी सब्सिक्वेंट ऑल द इवेंट्स नंबर टू आस्ट देम, दस एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाइड बाय यू रिक्वायर्स एडजस्टमेंट रीड द मिनट बुक्स रीड द लेटेस्ट इंटरम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटीफाई की वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इफ रिक्वायर्ड वेदर इट एज बीन प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड कितना ईजी है ट इज फाइव सिक्सटी दिमाग खुला करके अगर पढ़ोगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आई बात समझ में यस yes. ओके okay. और अपन रेगुलर बैच में फिर क्या करते हैं इसको रोज रोज रिवाइज करते ना तो फिर बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली छप जाता है यह मैजिक है अब यहां पर अगला इवेंट क्या कहता है फैक्ट नोन टू दर आफ्टर द डेट ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्ट देने के बाद आपको क्या पता चला है कुछ एक घटना कॉज टू अमेंड द रिपोर्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर क्या लिखा हुआ बाद में पढ़ूंगा बट पहले क्या लिखा हुआ ऐसी घटना के बारे में मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद कि अगर ये ज्ञान मुझे पहले मिला होता ना तो मैंने जो ओपिनियन दिया है ना शायद मैं वो ओपिनियन नहीं देता आई इशूड माय ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट आई केम अक्रॉस अ फैक्ट इफ दिस फैक्ट वाज नोन टू मी बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट माई ओपिनियन वुड हैिफरेंट फ्रॉम वॉट आई एक्चुअली गेव नाउ एक बार हिंदी में बोलो अभी हाँ सर बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं ना आप कल से मे को कुछ जानकारी प्राप्त हुई मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई कभी प्राप्त हुई ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद और यही जानकारी अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले मतलब 12 जून के पहले अगर प्राप्त होती तो शायद मेरा ओपिनियन कुछ अलग होता जो मैंने अभी दिया है उससे तो ऐसी केस में क्या करने का कुछ नहीं करने का सिंपल है कुछ नहीं कुछ नहीं डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट ऑफ दोस्त चार्जिद गवर्नमेंट भाई देखो ऐसा पता चला है क्या करने का है इट द डज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम अमेंड करने वाले हो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगे तो मेरा ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट भी वैलिड नहीं रहेगा ओपिनियन भी चेंज होएगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने वाले हो क्या? और अगर करने वाले हो तो तो लास्ट में कैसे करोगे हाउ द मैनेजमेंट इंटेंट टू डू इट क्लास समझा गया क्या करने का इवेंट आइडेंटिफाई किया आपने जिसकी वजह से आपका ओपिनियन क्या होगा चेंज होगा ऐसा लगता है आपको तो अपन ने कुछ नहीं करने का जाने का मैनेजमेंट के पास ए सुन मैनेजमेंट ऐसा मिला है मेरे को ज्ञान मिला है तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने वाला है क्या बोलो करने वाला है हा? तो फिर अपना ओपिनियन चेंज बोलो ये सुन करने वाले हो तो हाउ डू यू इंटेंट टू डू इट वो भी बता दो फिर उसके हिसाब से अपन अपना ओपिनियन देख लेंगे ना बाद में फिर उसके अंदर इन्होंने दो पॉइंट्स ऐड किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड ये क्या मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड एंड नॉट इशूड का इशूड मतलब ऑलरेडी नोटिस जा चुके हैं जनरल मीटिंग के लिए और वो मेंबर्स तक अपन नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देते हैं ना कभी आपने वो कंपनी के अगर आपके पापा मम्मी को ब्रदर सिस्टर अगर कोई शेयर होल्डर होंगे किसी भी कंपनी के तो घर पे एनुअल रिपोर्ट आती है अपन ने देखी भी थी ना एक आजकल मेल पे भी आती है और ऐसे भी आ जाती है आपको बता दो ना मैंने एचसीसी का एनुअल रिपोर्ट कितने गया होगा हो यहीं कहीं कहाँ जाएगा ये ऐसा प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट आता है ऐसा प्रॉपर प्रिंट होकर आता है जिसमें आपको दिखेगा कंपनी लेटर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट डिस्कशन कार्पोरेट गवर्नेंस बोर्ड रिपोर्ट स्टैंड अलोन ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिटेड रिपोर्टेड फाइनेंशियल सब कुछ आता है आपको एनुअल रिपोर्ट बकायदा मतलब अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिए मेरे को मतलब क्या हो चुके अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड लोगों तक पहुंच गए या तो नॉट इशूड अभी तक नोटिस देना बाकी ऑडिट रिपोर्ट दे दिया है बट अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने इश्यू किए हुए नहीं है बट वॉट एवर बी द केस यहां पर सिचुएशन सेम ही रहेगी आई बात समझ में बोलो यस और नो दिख रहा ना आपको दोनों केस में कंटेंट आपको सेम ही दिखेगा सो so अब आप लोग ये पढ़ लेंगे आपको थीम समझ में आएगा क्या है स्ट्रक्चर समझ में आपको क्या करना है आपको तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा जरा उत्तम को बताएंगे कि आप लोग फटाफट ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा दो सिचुएशन है फर्स्ट सिचुएशन में इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस नंबर टू एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है नंबर थ्री आपको क्या करना है अंडरस्टैंड हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज इंक्वायर एनी इवेंट्स रिक्वायर्स एडजस्टमेंट नंबर फोर थ्री क्या कहता है नंबर थ्री क्या कहता है यू हैव टू रीड द मिनट बुक्स नंबर फोर क्या कहता है रीड द लेटेस्ट इंटर एम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर इसमें से आपको कहीं दिखता है कि कोई इवेंट में एडजस्टमेंट जरूरी है तो वो रिफ्लेक्ट किया गया है या नहीं दूसरा तो एडजस्टमेंट हो या नहीं हो आपने डिस्कशन करना है अमेंड करने वाले हो तो हाउ यू इंटेंड टू अमेंड खत्म पढ़ लो फाइव सिक्सटी मिनट के अंदर खटाखट होना चाहिए ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास बोलो हम्म एजीएम नहीं हुई है एजीएम में फिर अपन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं मेंबर्स को बोल सकते हैं कि ये जो है ऐसी इवेंट बाद में पता चली है ऑडिटर्स को जिसके वजह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है और अगर फिर भी उसके बाद अगर मान लो एजीएम हो चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट भी हो चुके हैं बराबर तो फिर कंपनी लॉ में एक सेक्शन आता है सेक्शन 130 थर्टी इट टॉक्स अबाउट री ओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर वो कब होता है जब एप्लीकेशन किसी ने एप्लीकेशन करने के बाद बराबर वो कौन एप्लीकेशन करेगा एक तो नंबर वन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनकम टैक्स ऑथोरिटीज और एनी अदर पर्सन कंसर्न अगर ये अप्लाई करते हैं ये कह के द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज और द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मैनेज इन सच ए वे दैट दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनी रिलाईबिलिटी ऑन इट तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन कर सकते हैं दैट इज 130 थर्टी ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव सेक्शन वन जो बात करता है वॉल्टरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू लास्ट थ्री ईयर्स वन वन जिसमें अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड 134 बोर्ड्स रिपोर्ट अगर ये प्रोविजंस कंप्लाई नहीं हुए हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं वॉलंट्री रिविजन कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल इन दिस रिगार्ड एंड ऑप्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल आई बात समझ में तो अगर आपको लगता है कि अब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 129 के हिसाब से नहीं बना है तो फिर आपको पावर मिलती है 131 में कि आप इसे क्या कर सकते हो वॉलेंटरी रिवाइज कर सकते हो आई बात समझ में सो हाउ हाउ दिस दिस इज 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 कनेक्ट इट कनेक्टेड ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज हो गए तो उसका ओपिनियन वो ऑडिट रिपोर्ट भी विड्रॉ करके वो ये कर सकता है और इसीलिए फिर आपको मालूम होगा अंडर 143 ऑडिटर हैज द पावर टू अटेंड व्हाट जनरल मीटिंग उसमें जाके वो भी बोलेगा ना नहीं उस रिलेटेड फाइनेंशियल से ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज होएगा ना ऑब्वियसली होएगा ना ऑडिट रिपोर्ट चेंज क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग और रिपोर्ट अलग कैसे मैच होगा करेक्ट है ना ऐसा आई बात समझ में आपको हे गाइस यस सो अब हम लोग लास्ट स्टैंडर्ड की ओर जा रहे दैट इज़ वॉट एस ए गोइंग कंसर्न इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट ईजीएसट स्टैंडर्ड जिसमें आपको क्या क्या घर पर पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ फिर मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दूंगा देखिए सबसे पहले जब हम लोग गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं तो आपको ये इवेंट्स है ना व्हाट आर द इवेंट्स दिख रहा है आपको इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न बराबर उसमें आपको फाइनेंशियल इवेंट्स दिखेंगे ऑपरेटिंग इवेंट्स दिखेंगे अदर इवेंट्स दिखेंगे जो आप ये अकाउंट्स में पढ़ते हो और ये ए एस में ही है क्योंकि आपको मालूम है ये आपने पढ़ा हुआ है तो ये कौन से कौन से इवेंट्स है आप ये होमवर्क के लिए पढ़ेंगे ध्यान में रखना होमवर्क के लिए दिया है मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है यू हैव टू रीड इट नहीं बहुत से बच्चों का ऐसे ना वो मानसिक रूप पे ऐसा वो बन जाता है अजम्पशन, वट इज फॉर होमवर्क इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे ना प्यारे टीचर्स घर पे पढ़ने बोलते हैं हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी क्लास में जाती है नो इट इज़ सिंपल देर फोर इट इज़ वॉट गिवन एज होमवर्क बट इट इज़ स्टिल इंपॉर्टेंट ठीक है अब जरा ध्यान से सुनिएगा एकदम वैसे बहुत बहुत छपरी है ये कुछ भी नहीं है सर फिर भी पढ़ा दो यार <laughs> ये जो है ना ऑडिट प्रोसीजर्स ये भी होमवर्क के लिए पढ़ लेना क्या 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 क्या, क्या चेक करोगे और तो चिक चिक नहीं करने का बोलने का नहीं सर पैसा वापस करो <laughs> नहीं तो हम बोलोगे इतना होमवर्क दे रहे पैसा वापस करो इमोशनली होने के पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा ठीक है अब हम लोग आते हैं फाइव सेवेंटी मैं आपको बस इम्पोर्टेंट uh, जो उसका थीम है ना वो मैं आपको समझाता हूँ इसका अब पहले तो आप समझने की कोशिश करना सिंपल एकदम गोइंग कंसर्न बच्चों व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल एजम्पन्स ऑफ अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल बराबर के नहीं पहले गोइंग कंसर्न फिर कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल तो दोस्तों आपको मालूम है दिस इज द थ्री फंडामेंटल जिसमें का एक फंडामेंटल फंडामेंटलशन वो कौन सा है गोइंग कंसर्न उसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं जब कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पन वैलिड नहीं है अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्शन वैलिड नहीं है तो क्या उसके बारे में नोट देना पड़ेगा यस नॉट ओनली दिस बट सर ऑल्सो कंपनी के बैलेंस शीट शुड बी शोन एट वॉट रियलाइजेबल वैल्यू बराबर की नहीं मतलब अब मेरी बात को आप जरा एकदम ध्यान से मन लगा के सुनना देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होते हैं क्या अगर गोइंग कंसर्न अजम्पन वैलिड है या नहीं है उसके हिसाब से बोलो नो घुरते मत बैठो येस और नो यस ना गोइंग कंसर्न अजम्पन अगर वैलिड नहीं है तो रियलाइजेबल वैल्यू वैलिड है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलो येस और सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू शो द पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमेजिन अ सिचुएशन वेर गोइंग कंसर्न एजम्शन इज नॉट वैलिड and you are still showing your financial statements at historical values, are your financial statement giving true and fair view? No. The truth and fairness is getting affected again over here. And if the going concern is valid and still you show it at realizable value, is it true and fair? No. So your financial statements, whether it gives true and fair view or not, also depends upon what? The going concern. assumption if it's good historical values if it is not realizable values barabar and accordingly waisa management ne financial statement karna hona jama kya hai tak isliye fir ese 570 ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि भाई ऑडिटर ये सुनना पहले जाके check कर गोइंग कंसर्न एज वैलिड है या नहीं बराबर अगर तुझे डाउट आता है कि ऐसे कोई इवेंट फैक्टर्स कुछ घटे हैं जैसे एग्जांपल्स दिए आपको होमवर्क के लिए फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड अदर उनमें से कोई भी वो इलिस्टेटिव लिस्ट है उनमें से कोई भी एक्टिविटी कोई भी इवेंट कोई भी घटना आपको दिखती है कि इट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न

एडवर्स डिस्क्लेमर नहीं एडवर्स सर डिस्क्लेमर क्यों नहीं क्योंकि यहां पे ऑडिट एविडेंस आपने ऑप्टेन किया है इसके लिए डिस्क्लेमर नहीं आएगा इमोशनल नहीं होना आई बात समझ में आपको सो दिस इज वॉट एस ए फाइव सेवेंटी दिस इज वॉट इट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आई बात समझ में आपको सो so, एकदम मन लगा कि ध्यान से सुनिए आगा समझिएगा ऑडिटर एंड गोइंग कंसर्न एज फाइव सेवेंटी गोइंगूज अब इसे पढ़ना देखो बहुत मजा आएगा इट इज यूज बायमेंट टू प्रीपेयर वॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब मैनेजमेंट ने वो गोइंग कंसर्न अजम्शन फॉलो किया या नहीं किया है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वी विल ऑप्टेन वॉटर्न रिप्रेजेंटेशन बिकॉज यू रिमेंबर इट इज टू कंफर्म सर्टन मैटर्स ऐसे फाइव फिफ्टी

चार्ट बनाया भी है क्या उसका तब आएगा बुक में आप लोग सब यस yes. उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर या रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर ऐसा कुछ दिखता है क्या आपको उसमें भी तीन पॉइंट आपको दिखेंगे टू नंबर वन वॉट ऑप्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसिस एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली वो सामने रखना और ये सामने रखना मतलब सामने मतलब अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो और एस ए फाइव फिफ्टी तीन पॉइंट चेंज दिख रहेगा और अब वहां पे आप देखोगे कि मैनेजमेंट सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे फाइव कहता है उससे रिलेटेड आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप ले सकते हो गोइंग कंसर्न कंसर्नशन मैनेजमेंट यूज करके बनाता है तो सिंपल सी बात है ऑडिटर तू मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना कि मैनेजमेंट लिख के दो कंफर्म करो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्शन पे बनाए या नहीं बनाए बात समझ में देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू सपोर्ट वॉट अदर ऑडिट एविडेंस आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है वो ठीक है आप भी तो कुछ क्या करोगे वेरिफिकेशन करोगे ना तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और वो आपका जो एविडेंस है एक दूसरे से आप कंपेयर कर लो और फिर आप रिस्पॉन्ड करो कि भाई मांगा बट तुमने दिया नहीं या तो मांगा दिया बट हमने जो असेसमेंट किया और आपने जो कंफर्म किया है उनमें क्या है डेविएशन है तो आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे दिस इज वॉट इज ऑफ ऑडिटर मतलब ये जो पार्ट है ना ये किससे रिलेटेड है ये फाइव सेवेंटी सॉरी फाइव एटी माइ बैड विच इज अंडर फाइव सेवेंटी इजी है एकदम यस yes. फिर आपने क्या करना है ये ऑब्जेक्टिव हो गया क्या करना है इससे रिलेटेड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट से अपन ने बस क्या ले लेना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू कंफर्म to support and to respond appropriately. इसमें अब मेरी responsibility क्या है मेरी responsibility हमेशा क्या है Sufficient and appropriate audit evidence लेना कि वो assumption appropriate है या नहीं है and conclude on the basis of audit evidence obtained कि क्या uncertainty है या नहीं है क्योंकि उसके हिसाब से adjustment होगा ना तो मेरा काम क्या है एक तो evidence ले लेना कि uncertainty मौजूद है या नहीं है तो इसके लिए मुझे वो इवेंट्स या कंडीशन देखने पड़ेंगे और वो इवेंट्स वो तीन वाले जो आपको होमवर्क के लिए दिए ना वो आई बात समझ में अब यहां पे आखिरी में क्या कहता है एकदम सिंपल सी बात है खत्म हो गया ओइंग टू इन लिमिटेशन ऑडिटर नॉट ऑल्सो प्रोडिक्ट वॉट ऑल द इवेंट्स दैट कास्ट अ डाउट ऑन एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न अब वापस आप इन लिमिटेशन चैप्टर वन पे आओगे हाँ नहीं। आओ और वहां पे देखो आपको वैसा पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता अदर मैटर्स में जहां आपने रिलेटेड पार्टीज़ का पहले पढ़ा था ना अब वहां के देखो आपको मिलता है क्या कि इनरेंट लिमिटेशन की ऑडिटर नहीं ढूंढ सकता है अबाउट वॉट एंटिटीज़ एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न बकायदा लिखा हुआ वहां पे दिस इज हाउ यू शुड लिंक मिल रहा है कि नहीं हाँ फिर तो स्टैंडर्ड भी मैच होता है अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे बचपन में वो भी मैच होता है इतना थर इन स्टडी होना चाहिए एंड फिर लास्ट में क्या कहता है अब आपको डाउट आया तो आपने क्या क्या प्रोसीजर करना चाहिए क्या प्रोसीजर करोगे सिंपल है एकदम अगर आपको दिखता है कि भाई डाउट आया ऑन एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न मैं क्या करेगा मेरे को डाउट आया ना मैनेजमेंट तुमने

We are good to go. तो फिर अपन ने उनको पूछने का क्या सोच के भी तू बोल रहा है तू कंटिन्यू कर सकता है फ्यूचर प्लान क्या है तेरे बता सेकंड पॉइंट फिर अपन ने इल्युएट करने का क्या उनका कैश फ्लो फोरकास्ट पैसा कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है है क्या उतना साउंड फाइनेंशियल पोजीशन बताना तो अपन वो चेक करेंगे और लास्ट में एडिशनल फैक्ट्स अपने को जो मिलते हैं और मैनेजमेंट से जो अपन बचपन में कर रही है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ओवर आई क्या बात समझ में आपको डेट्स